वर्चुअल रैली में वाशी में जमा हुए कार्यकर्ता, मोदी सरकार से किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस की वर्चुअल रैली को देखने के लिए आज नवीमुंबई के कांग्रेस भवन में सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए। इस अवसर पर नवीमुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, जो कांग्रेस के रहते हुए कभी भी संभव नहीं हो सकता। हम इस कानून के खिलाफ हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। इस कानून से वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों को तो उनकी फसल कम कीमत में बेचनी पड़ेगी और उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उपभोक्ता और किसान दोनों पर अन्यायकारी साबित होगा। काला कादा लेने वाली सरकार जो है ये जाएगी वापिस फिर से क्षेत्रीय की मर्जी की, व्यापारी की मर्जी की, छोटे व्यापारी, ये मोदी वाले व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी जैसे हमारे APMC के व्यापारी हैं, इनकी सरकार वापस आएगी। और बड़ा फायदा ये होगा, देखो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संघर्ष को डरती नहीं कभी। मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने तो आज़ादी के पहले का तो मुझे देखा नहीं मैंने, लेकिन 77 के बाद 80 के अंदर इंदिरा जी ने जो टर्न मारी थी वो मैंने देखा है। उसी इंदिरा जी का खानदान की कांग्रेस है, उसी के खानदान के हम सब यहाँ बैठे हैं। हमारे पूजनीय माता इंदिरा जी, उनकी प्रेरणा लेके आज रास्ते में कांग्रेस उतरी है। मैं न्यू बॉम्बे तक बात करूँगा, क्योंकि न्यू बॉम्बे का ही विषय है। न्यू बॉम्बे जो शहर बचा है वो स्पेशली मुंबई की गर्दी कम करने के लिए पूरी कृषि संबंधित मार्केट यहाँ पर बनाई, और कांग्रेस ने प्रयत्न किया, कांग्रेस की बुढ़ाकर से बनी एशिया की सबसे बड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति यहाँ स्थापित हुई, और इस इतना सुंदर मार्केट को ख़त्म करने के लिए ये BJP जो करती है वो हानि पाड़ने के लिए हम लोग आज ये रैली लिया है। इसके आगे अगर ये नहीं माने, हम रास्ते पर उतरेंगे, जागृति और लेके आएंगे, मार्केट में घूमेंगे, और यहाँ जो क्षेत्रीय है, यहाँ तो क्षेत्रीय नहीं क्योंकि जो सब्जी में एक्वायर हो चुकी है, फिर भी जो आगरी कोड़ी बांधव है उनका जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जमीन बेच के आगे जमीन लिया बदलापुर में, पनवेल में, रायगढ़ में। और दूसरा, यहाँ रहने वाला मोस्टली 70% आदमी क्षेत्रीय का लड़का है, खासकर विशेषकर मैं बोलता हूँ जो मराठी व्यक्ति यहाँ रहते हैं वो 70% क्षेत्रीय के बच्चे हैं। मैं भी खुद क्षेत्रीय हूँ और क्षेत्रीय का बेटा हूँ मैं, तो मुझे भी इस बात का दर्द हुआ है। मेरी भी खालापुर में ज़मीन है पनवेल के आगे, तो मुझे भी तकलीफ हुई है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मोदी की ज़मीन तो किधर है नहीं, ना अमित शाह की है वो समझ सकते नहीं, ना अदाणी की है ना अंबानी की है। वो सारे ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जो कायदा लेके आ रहे हैं उसके विरोध में हमने रैली लिया है। अभी हम कल से APMC मार्केट में घूमेंगे, जो व्यापारी है सिग्नेचर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ मार्ग में जो क्षेत्रीय आता है उसके सिग्नेचर लेंगे, और वार्ड वाइज जो क्षेत्रीय के बच्चे, क्षेत्रीय के फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं उनमें हम सिग्नेचर लेंगे और उनका समर्थन लेंगे, रस्ते पर उतरेंगे। शेतकरी विधेयक लोकसभेमध्ये आणलं गेलं, त्याचे 3 भाग होते जे ढोबळ आहेत ढोबळमानाने पाहिलं तर। पहिली गोष्ट आहे की मिनिमम सपोर्ट प्राईस ज्याला म्हणतात, ते MSP म्हणतात, तो कोणताही शब्द त्या धोरणामध्ये नाही, जे शेतकऱ्याला देणं आवश्यक असतं, कारण शेतकऱ्याची बहुसंख्य शेतकऱ्यांची शेती ही पावसावर अवलंबून असते।
आणि पावसावर असल्यामुळे जे शासन आहे कोणत्याही पक्षाचं असतो त्याची जबाबदारी आहे त्याला किमान दाम त्याच्या मालाला दिलं पाहिजे. हा त्यातला पहिला भाग आहे. नवीन धोरणामध्ये हे नावसुद्धा नाही. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण रात्र राजीव सातवजी जे आत्ता बोलले ते रात्रभर लोक बाहेर बसले होते. आत्तापर्यंत देशाच्या इतिहासात असं अजिबात घडलेलं नाही की इतके नेते विरोधी पक्षाचे बाहेर बसलेले असताना एकसुद्धा सत्ताधारीतला माणूस पुढे येऊन बोलत नाही त्यांच्याशी. मला असं वाटतं हे जे सरकारचं लोकशाही विरोधी पावलं आहेत आणि ती फक्त शेतकऱ्यांबद्दल पडत नाही आहेत ती सगळ्याबद्दल पडत आहेत. ते हाथरस असू दे, ते आत्ता शेतकऱ्यांचं विधेयक असू दे, किंवा काल तुम्ही जर पाहिलं असेल टाटा ग्रुपने त्यांची तनिष्काची जाहिरात मागे घेतलेली आहे. अरे टाटासारखा जो व्यक्ती घा म्हणजे त्यांचं शोरूम तोडायचं धोरण घेता तुम्ही आणि ह्याच्याबद्दल सरकार काही बोलत नाही. मला असं वाटतं लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचं जो एक मोठा विरोधी पक्ष आहे त्याचं ऐकणं ही सत्ताधाऱ्याची जबाबदारी आहे. ते अजिबात केलं जात नाही आणि काँग्रेस पक्ष म्हणूनच या धोरणाच्या विरोधात आज रस्त्यावर आहे, व्हर्च्युअल रस्त्यावर आहे आत्ता. पण गरज पडली तर करोनानंतर नक्कीच रस्त्यावर उचलू, कारण हा तमाम सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.